समझना कठिन है नियत राम की। भक्त की भावना भी भ्रमित हो गई, हो गई क्या महत्ता है हरि नाम की। राम दशरथ सुवन है या दूजा कोई, सोचते भक्त हनुमान मन में यही। हो परशुराम शंकित लंका पर विजयश्री हासिल करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या वापस आ चुके हैं। राज तिलक हो चुका है, पूरी बांदरी सेना को प्रभु राम विदा कर चुके हैं। सारे लोग विदाई स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन बजरंग बली विदाई स्वीकार किए ही नहीं। साफ शब्दों में भक्त हनुमान जी कह गए कि मैं अयोध्या छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो दिन भर रात भर हनुमान जी कहीं भी रहे, लेकिन बिल्कुल भोर में पहुंच जाए भगवान राम के दर्शन करे बदे। अब भगवान राम का भी नियम रह कि रोज सवेरे उठे तो दैनिक क्रिया से निवृत्त हो के आप नहा धो के पूजा करे बदे बैठे। जब पूजा करें तो एक थे श्लोक भजें, एक थे श्लोक का उच्चारण करें। राम रामे तिरामे तिरमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रामे तिरामे ती राम धन इति बराबर रामे ती। इति माने होता है यही, रामे ती माने राम यही है, राम यही है। रमे रामे मनोरमे राम में ही राम रमे हुए थे, मनोर में मन में राम को धारण करके। सहस्त्र नाम, सहस्त्र नाम भगवान विष्णु को कहा जाता है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम विष्णु के हजार नाम के बराबर, विष्णु के हजार नाम के बराबर राम नाम बरानने। बस राम का एकमात्र एक ही बार नाम जो है श्रेष्ठ है। एक दिन हनुमान जी सवेरे पहुंचलन तो भगवान राम पूजा पर बैठे रहलन। भगवान राम पूजा पर बैठे रहलन, उहे श्लोक उच्चारण करत रहलन। हनुमान जी सुनलन तो सोचल गलन क्या सारी दुनिया मेरे राम को भजती है और ये राम किस राम को भजते हैं। अब भ्रम में पड़ गए हनुमान जी। तो एक लाइन यहां कव्वाली लगत बा, कवन कव्वाली बा मास्टर।
ही कव्वाली के नमूना रहा। लेकिन गाना के अंदर भाव दे हिल बका कि जब भक्त सशंकित हो जाए, जब भक्त सशंकित हो जाए तब राम उसे करें मर्जी उनकी कोई राव बना, वो मर्जी उनकी कोई राव बना, वह चाहे तो राव को रंग करे, वह चाहे तो राव को मर्जी उनकी कोई जो मर्जी उनकी कोई राव बना, वह चाहे तो राव को रंग करे। कहानी यहीं से शुरू है। लारे 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 सुबह का वक्त था, भगवान राम ध्यान किए, तभी पहुंचे कपि जी दर्श कायर मान लिए, राम जी राम का ही नाम जाप करते रहे, सुनत सशंक लोक में कपि भी चरते रहे। ध्यान टूटा तो प्रश्न दाग दिए कपिराई, ध्यान टूटा तो प्रश्न दाग दिए कपिराई, कौन वह राम है, कौन वह राम है भजते हैं जिनको रघुराई। शंका में पड़ल हुन हनुमान जी, इहो भजत हुन कि राम रामे तिरामे तिरमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरान्ने। खुद राम हुन ते ही कौने राम के भजत हुन। पूजा खत्म भइल, सामान्य स्थिति में भगवान राम अइलन। हनुमान जी सवाल कह देलन कि महाराज कौनो राम है, अभी मैंने सुना कि आप राम का नाम लेकर के श्लोक का उच्चारण कर रहे थे, आखिर वो राम कौन है जिस राम को आप भजते हैं, सारी दुनिया को आपको भजती है। भगवान राम कहें कि जानना चाहते हो हनुमान, कहे बिल्कुल। तो भगवान राम हनुमान जी से कहने लगे, तन्नी सा बढ़ाए एक लाइन गीत लगत बा, भक्ति भाव का ही पचरा गीत हो, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अंदाज में गावल जाला, तो पचरा हम हमने के तरफ गावल जाला कैसे। के मैया अब मैया मैया ये मैया Yeah.
भगवान राम हनुमान जी से कहने लगे, क्या के कपिवर भगवान राम कहते हैं कि मंगलवार को आना, आज नहीं बताऊंगा हनुमान। मैं किस राम को भजता हूँ, मंगलवार को आओगे तो बता दूंगा। कहते हैं केरे कवन राम मोर भजन यधारा, अब राम क भेद तू पैबा सारा, प्रभु मंगलवार को ही मैं आऊंगा, लेकिन जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है कि किस राम को आप भजते हैं जबकि आप साक्षात राम हैं। देखिए हनुमान जी चले गए, लेकिन मंगलवार जब आया तो मंगल के दिन कपी राई जी आई गई, प्रभु से पूछत भइए चंदन रगड़ के राम, चंदन रगड़ के राम, राम ही का नाम लेके, राम ही का नाम लेके दिहले का गाना ले उड़ाया। मंगलवार को बजरंग बली आ गए बिल्कुल तड़के, भगवान राम से कहने लगे प्रभु जी आ गया, बताना पड़ेगा किस राम को आप भजते हैं। कहे बस इंतजार करो, एक थे छोटा सा चंदन का टुकड़ा लहलन भगवान राम दोनों हथेली के बीच में कह के ऐसे रगड़े शुरू कैलन, और रगड़ के सीधे आसमान में फेंक देलन वो चंदन के, चंदन का टुकड़ा ऊपरे ऊपर उड़े लगा। भगवान राम हनुमान से कहना कि हनुमान तुम पीछा करो भैया, कालन के हनुमान पीछा कर चंदन का टुकड़ा उड़त बा। आ एक बात याद कर, कालन की पीछा करो हनुमान, याद रखना चंदन का टुकड़ा जहां जाकर के सट जाएगा समझ लेना कि उसी राम को मैं भजता हूँ, पीछा मत छोड़ना। आगे आगे चंदन, पीछे पीछे हनुमान जी, पीछा करते हुए उड़ान भरते हुए जा रहे हैं। कहे कुछ दिन पहले गीत निकलल रहा, लड़का कुल बतावे यानी गायक लोग बतावे कि नई गीत है। हाँ कुछ दिन के बाद चट चट चुड़िया तोड़ला हमारी नरमी कलाई मरोर के, लेकिन क्या बात है नहीं ये लय की चोरी है, बड़ी पुरानी गीत है ये, शब्द केवल बदले हैं लय पुरानी है। हम लोगों के तरफ
येहरो होथोई बियाह शादी में लावा भुजाई वाला काम। औरत लोग जालिम भरसाए में भर भुजा के हाँ लावा भुजवाए बोले। तो हमारे तरफ औरत लोग जब भर भुजा के भरसाए में जालिन लावा भुजवाए बदे ओ समय ओ गोरिन पर जोन बाल लहा के डालेली का डालेलिन पातर पातर झिना मछरिया पातर कमरी लावर गोरिन लहा भुजरी विश्वास कर ले होगा कि लय ये खाली शब्द बदल बा ना जानकारी में भले लोग कहें कि नया नया कुछ ना है। आजकल नया लोगन के पास कुछ बा ना, खाली पुरनके के अंदाज थोड़ा सा बदल के शब्द बदल के लोग नया बतावत है। ज्यादा छोड़ा छोड़ा उतना ना हो पाई उतना ना हो पाई। सबकर अलग अलग अंदाज बा, सबकर अलग अलग शैली बा, जेकर जोने में पहचान बा वही में रहेगा। ईद तो यह बा लेकिन आगे आगे चंदन पीछे पीछे हनुमान जी उड़ान भर जात हुवन। तो उड़ल गगन में चंदन पहुंचल, उड़ल गगन में चंदन पहुंचल उत्तर दिशा में जाती हो चक्कर पीछे हनुमान उत्तर दिशा में चंदन उड़ान भरत आगे आगे जा रहा है। कहाँ पहुंचल उत्तर दिशा में चंदन पहुंचल स्थान पर चंदन पहुंचा, पीछे पीछे हनुमान भी पहुंचे हैं। एक भक्त हाथ में माला लेकर के और वह भी वही श्लोक पढ़ रहा था, वही श्लोक उच्चारण कर रहा था कि राम रामे तिरामे तिरमे रामे मनोर में सहस्त्र नाम तत् तुल्यम राम नाम बरान में। हनुमान जी चक्कर तो लगावत हुन, सोचत हुन कि चंदन सटी ना नहीं में काजनी सटी जाए। तरुका तनी देख ली ई कैसन भक्त बानन, जब भक्त की ओर नजर कैलन पीछा करे में जोन बाटे नजर घुमाहू में दिक्कत बा ना, लेकिन तन्नी सा नजर फेर के हनुमान जी देखलन आवाक रह गेलन। काय आवाक रह गेलन कि बीस भुजा दस शीश बाजे कर, अरे बीस भुजा दस शीश बाजे कर बैठल ध्यान न लगी हो चक्कर लगावत कंजी। रावण बैठ करके और वही श्लोक भज रहा है जिस श्लोक को मेरे प्रभु राम भजते हैं। रावण को लंका में मारा गया और यहाँ जिंदा बैठा है। हनुमान जी सोचने लगे तनी सा बढ़ाए वह गीत बा जोन अपने जमाने में बड़ी चर्चित गीत रहा।
हनुमान जी रावण को देख के का सोचे चंदन नान सती हनुमान जी दुविधा में पड़ल हूँ, लेकिन चंदन रावण में सटल उठल ना चक्कर लगा के फिर उड़ान भर देलस। उड़ान भरलस त दिशा भी बदल देलस, उत्तर से सीधे दक्षिण दिशा की ओर हो गए। तब चक्कर लगा के चंदन चल दक्षिण दिश हो, पीछे पीछे भारत उड़ान की ओर गया। एक स्थान पर चंदन पहुंचा जहां कोई भक्त बैठ करके और वह भी वही श्लोक भज रहा था जिस श्लोक को प्रभु राम भजते थे, जिस श्लोक को रावण भजा था उसी श्लोक को वह भी भक्त भज रहा था। वो भक्त कौन था? ध्यान में मगन शिवम बाबा भोलेनाथ। अब ध्यान मगन शिव के मुहे भगतिया सोचे कबीर, घोरे चरण भगतिया सोचे कबीर। भोलेनाथ वो भी वही श्लोक भज रहे, चंदन चक्कर लगाने लगा, पीछे पीछे हनुमान जी भी चक्कर काट रहे हैं। देखलन हनुमान जी तनी सा भक्त के भाव भंगिमा देख ले, जब भोलेनाथ की ओर नजर घुमौलन हनुमान जी तो और आश्चर्य में पड़ गेलन। कहा देखलन कि भोलेनाथ बीच में हुआ आई 11 जने घेर के ओ बाबा भोलेनाथ के बैठल हूँ के तर्ज बदल गई। मेरा नाम है चमेली, मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालनी अल्लाह तेरी, चली आई मैया तेरी दिखाने। जमाना रहले कुल तर्जन के, आज भी वह रस बाय तर्जन में, तर्ज तो यह बा। लेकिन हनुमान जी आश्चर्यजनक दृश्य का देखलन कि भोलेनाथ बीच में आ किनारे किनारे के बा, कि देखें अगल बगल श्रीमान, देखें अगल बगल श्रीमान, अरे आंखें बंद लगाए ध्यान, बैठे प्यारा हनुमान अपन मार के। ग्यारह हनुमान, हनुमान जी आवाक है, जैसी मेरी सूरत है इन 11 लोगों की सूरत भी वैसी ही है। जो कद काठी मेरा है वही कद काठी इन लोगों का है, जो रंग रूप मेरा है वही रंग रूप
इन लोगों का है। अब हनुमान जी मन में सोचे लगलन कि असली हम कि असली भी, मन में सोच रहे कपिराई, मन में सोच रहे कपिराई, कैसा ये चरण है ये भाई, नीला लाल माया चरण। हनुमान जी अब खुद भ्रम में हो गेलन, शंका में पड़ गेलन, कौने बात के शंका में हो गेलन, केहू के भावा राम है नहीं। हनुमान जी सोचत हुवन कि हाय अवध के राम राम है नहीं, भजते नाम भजन में, अरे भजते राम भजन में भटके लोग तमाम तमाम तमाम। इसका मतलब कि जिस राम को मैं भजता हूँ और मेरी समझ में जिस राम को दुनिया भजती है वो राम राम नहीं है, फिर भी हनुमान जी सोचते हैं शायद हो सकता है या तो इन लोगों में चंदन सट जाए या तो भोलेनाथ में चंदन सट जाए, तो मैं यही समझ लूंगा कि इन्हीं लोगों को मेरे राम भजते हैं। लेकिन चंदन वहां भी नहीं सटा, न 11 हनुमान लोगन में सटलन और ना ही तो भोलेनाथ में ही वो चंदन सटल, चक्कर लगा के फिर उड़ान भर देले आ दिशा भी बदल देले सीधे पूरब की ओर चल देले, आ जब चल देले तो भाव देवे के पड़न के किया है चंदन पत्थर, ये बकिया है चंदन पूरब को प्रस्थान धाम सुनसान जहां, हाँ किया है चंदन पूरब को प्रस्थान धाम सुनसान जहां, और पीछे पीछे पहुंच गए हनुमान धाम सुनसान जहां। हनुमान भी पीछा करते हुए उड़ान भरते हुए जा रहे हैं, चंदन पूरब की ओर बढ़ता गया, बियाबान स्थान बिल्कुल अंधकार, ऐसे स्थान पर वह चंदन पहुंचा है कि निर्जन था, कहां चंदन पहुंचल कि निर्जन था यह स्थान, यहां पर कोई नहीं बसेरा हो, पशु पक्षी का आवागमन पशु पक्षी का यता पताना आवागमन न दे रहा हो, सोया था कोई वहां पिता पर तान धाम सुनसान यहाँ, और काट रहा चक्कर चंदन श्रीमान धाम सुनसान यहाँ। पूरा दिशा की ओर चंदन गया, हनुमान भी पीछा करते हुए एकदम बियाबान स्थान, न पेड़ न पौधा न पशु न पक्षी न जीव न जंतु, घोर अंधकार, आगे बढ़ता जा रहा है चंदन, हल्का सा प्रकाश, हल्का सा प्रकाश उस अंधकार में दिखाई पड़ा। हनुमान भी पीछे पीछे जाते हैं, देखते हैं कोई पीताम्बर ओढ़ करके यहाँ सोया है, और उसी पीताम्बर ओढ़ कर सोए हुए व्यक्ति का चक्कर जो है वो चंदन लगाने लगा, हनुमान भी चक्कर लगा रहे हैं। होता है क्या, क्या? कि सुतल पीताम्बर धारी, अब सुतल पीताम्बर धारी ओढ़ी के पीताम्बर भैया, Thank you.
पितांबरे में जाके चंदन सट गए, हनुमान जी सोचलन किया एकर मतलब कि यही राम के हमार राम अयोध्या वाला भजलन। अयोध्या वाला राम का चेहरा तो हम रोजे देखिला, रोजे दर्शन करिला, तनी सा इनके देखने कि हमरे राम का राम जी। इनकर सूरत कैसन बा भइल हो का कि के बसुतला मन में देखो, लेकिन पूरा शरीर तो ढकाई बा पीतांबर से। हनुमान जी सोचलन किनके देखी, अब उलझन में पड़ल हूँ कि केहर खड़ा हूँ। तो सोच गेलन कि अगर सिर के तरफ खड़ा हो के आए पीतांबर के खींचब तो पहले पैर नंगा हुई। हमें देखे के हो चेहरा कि राम के राम का चेहरा कैसन बा, तो पैर की ओर अगर खड़ा होके खींचब पीतांबर तो पहले सिर नंगा हुई, मुंह नंगा हुई, मुंह देखब पैर की ओर खड़ा भइलन। आ जब खड़ा भइलन पैर की ओर पीतांबर धैलन हनुमान जी, भइल हो का अल्लाह बदल दे तेरे परवा की ओर कपि खड़ा भइले पीतांबर जब खिंचलन तो कमर कमर से नीचे और कमर से ऊपर दोनों भाग ढकल बा पीतांबर से, वही कमरिये पर से पीतांबर फट गए अधे पर से। तो पैर की ओर वाला हिस्सा पीतांबर उ हनुमान जी के हाथ में आ गई, लेकिन कमर से ऊपर वाला अंग ढकले रह गई। हनुमान जी देखना पोलन आ यही बीचे भय का कि भय लया दृश्य जवन सुतल मन दिया गाय पीतांबर ओढ़ के जो सुतल रहल वो अदृश्य हो गए। हनुमान जी देखी ना पोलन कि चेहरा कैसन हमरे राम के राम कर रहल। अब करे तो का करे, वह आधा पीतांबर हाथ में लेके झंखत हनुमान जी लौट एलन अयोध्या में। भगवान राम मुस्कियात हुअन का हनुमान हमरे राम का दर्शन पौला अलन है भगवान राम के पास। हनुमान जी भगवान राम मुस्कुराए के पूछल का हो दर्शन पगला हमरे राम को कलंक। भगवान राम से हनुमान जी कहलन का कहलन तनी सकड़ा मास्टर सुतल मनई
आपके राम का मैं दर्शन नहीं कर पाया। भगवान राम हंसते हुए कहने लगे हनुमान जी से, कहे राम मैं उसी राम को भजता हूँ निरंतर हो, अजर अमर वह राम समाया हर शरीर के अंदर हो, निराकार हर काम रूप धर राम ही करी, दर्शन सुतल मनैया के न पवनी हरी। मैं उसी राम को भजता हूँ, वो अजर है कभी बूढ़ा नहीं होता, अमर है कभी मरता नहीं, सबके अंदर है, तुम्हारे अंदर भी हो राम है, मेरे अंदर भी हो राम है। राम स्पष्ट कर रहे हैं, हनुमान तेरे अंदर भी वही राम है, वही मेरे अंदर राम है। जितने शरीरधारी हैं, हर एक शरीरधारी के अंदर वह राम है। हनुमान जी कहें किस रूप में, मैं समझ नहीं पाया। भगवान राम कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है जो उस राम को जगा लेता है, जागृति अवस्था में पा जाता है, वह राममय हो जाता है। मैं राममय हूं लेकिन राम नहीं हूं, स्पष्ट कर दिया कि मैं राम मैं हूं लेकिन मैं राम नहीं हूं। कहे तब कहे हम में तुम में खड़ग खंभ में सब में व्यापक राम। हनुमान जी कहते थोड़ा सा और समझा दीजिए। भगवान राम कहते हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। हनुमान वो निराकार है, शरीर साकार है, मैं भगवान हूं लेकिन राम नहीं। यहां भी अब अर्थ समझना होगा। राम, राम से बड़ा राम का नाम होता है हनुमान। तुलसीदास जी खुद स्पष्ट कह रहे हूं, मैं राम मैं हूं। भगवान का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? भगवान का अर्थ शरीर होता है, भगवान का अर्थ सृष्टि का संचालन करने वाला होता है। भग माने सृष्टि, वान माने हाकने वाला या चलाने वाला, उसको भगवान कहते हैं। जो सृष्टि को संचालित करता है वही भगवान है। तो सृष्टि को संचालित कौन करता है? जो शरीर धारण करता है, हम आप। हम भगवान है। भगवान का दूसरा अर्थ क्या होता है? पांच तत्व। भगवान का अर्थ होता है पांच तत्व। छित जल पावक गगन समीरा, जरा देख लीजिए भगवान में पांच तत्व है कि नहीं। शब्द में ही वो पांचों तत्व छिपे हुए हैं। भौ ग वा, धन अ बराबर वा होता है। दो अक्षर से वा शब्द बना है और नौ, पांच अक्षर हो गए। भौ से भूमि, ग से गगन, व से वायु हवा, अ से अनल आग, और न से नीर। ये भगवान का अर्थ होता है। हम अहन का गोबर या हलवा एक में सान के बुझ लेने जा कि वह ईश्वर हुआ। ईश्वर दूसरा होता है, भगवान दूसरा होता है। हनुमान जी कहन की बस क्षमा कह दे प्रभु, हम भ्रम में रह ली, अब समझ में आ गई कि काहे आप का नाम राम बाय, आपो रामय के काहे भजत हुआ। समझ में आ गई। लेकिन एक बात बता दे हल्या प्रभु है, आधा जौन पीताम्बर फट गई वो के लेके आए रही, का करिए कि फेंक दें कि फूंक दें? हनुमान जी का बात सुन के भगवान राम कहलन कि न फेंक न फूंक, ये आधा पीताम्बर जौन फट गई एहू के अर्थ तो के बता दे थे। का बतौलन कि अरे आधा लिए पीताम्बर कर में, पूछ रहे कपिराई हो, कहे राम मोहराम कगैला आधी शक्ति पाई हो। आधी मंजिल वही तय कैले हुआ, मंजिल तक ना पहुंचल हुआ, आधा रास्ता तक पहुंचल हुआ। जौने राम के हम भजिला, तुहु रामे नाम भजला,
आधा रास्ता तय कर चुकल पड़े। इस संकेत रहे आधा पीताम्बर फटले का। और ध्यान लगाइए, कलयुग में जाकर के आप पूर्ण स्थिति में आ जाएंगे, उस मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। और ये जो पीताम्बर है यही आपकी निशानी बनेगी, ये पीताम्बर ही निशानी बनेगा। किस रूप में? महावीर का झंडा, इसी रंग को लोग महावीरी झंडा के रूप में जानेंगे। तो हनुमान जी का झंडा भी पीताम्बर का ही रूप होता है, रंग होता है। तो राजपुरम सदगुरु स्वामी जवने स्वामी जी का हम नाम लेते हैं, राजपुर बिहार में, ये हमारे गुरु हरिद्वार कबीर जी, आप बचाऊ भैया, ये लोग आश्रम पर जाएंगे, स्वामी जी का आशीर्वाद ले हो बदे। तो नहीं से जो बार नाम दान हम ले ले। तो राजपुरम सदगुरु स्वामी राधे हिंदु श्रीनाथ, बच्चन विजय कांत का शिवधर देख।